मॉर्निंग। आज का सब्जेक्ट है व्याकरण पार्ट टू। पार्ट वन में मैंने कल आपको वर्ण और वर्णमाला के भेद बताए थे। आज है मात्राएं की पहचान। आज आपको पार्ट टू में मात्राओं का पहचान करना है। मात्राएं कैसे बनती हैं और कैसे लगाई जाती हैं, आपको आज मैं उसी का पहचान कराने जा रही हूँ। देखिए, स्वर, मात्राएं, मात्रा सहित व्यंजन और शब्द। स्वर, मात्राएं, मात्रा सहित व्यंजन, शब्द। स्वर है आ, आ, ई, ई, उ, उ, री। आ में कोई मात्रा नहीं होती है। बड़ा आ में एक खड़ी बाई होती है। छोटी ई में एक आगे से खड़ी बाई और पढ़ाई होती है। बड़ी ई में पीछे से एक खड़ी बाई एक पढ़ाई। छोटा ऊ में ऐसे, बड़ा ऊ में बड़ा ऊ की री। मात्रा सहित व्यंजन का प्लस आ बराबर था। इसमें देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई भी मात्रा नहीं आती है। इसका मात्रा कोई भी नहीं होता है। क म ल, इसमें कोई मात्रा नहीं है। क म ल, कमल। क में आ की मात्रा, इसमें बड़ा आ का उच्चारण आता है, बड़ा आ। क में आ की मात्रा का र, का र। का में ई की मात्रा छोटी की, छोटी की ला, किला। का में बड़ी ई की मात्रा, का में बड़ी ई की मात्रा की ल, कील। का में ऊ की मात्रा कू, कुत्ता। का में छोटा ऊ की मात्रा कू। का में आ की मात्रा का कुत्ता। का में बड़ा ऊ की मात्रा कू। का में बड़ा ऊ की मात्रा कू। फिर है का में बड़ा ऊ की मात्रा कूप, कूप। का में री की मात्रा, का में री की मात्रा क्र। का में राज मात्रा लगी हुई है, ध्यान देना। क्र श क, कृषक। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, रीता का आपने उंगल पढ़ा, फिर है ए आए ओ आओ अंग आहा। का में एक मंत्रा के, का में एक मंत्रा कै, का में ओक मंत्रा को, का में अव
मेला कई मेला फिर है ओक मंत्र का में ओक मंत्र को Thank you.